खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां सरकारी धन के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गबन और घोटाले के आरोप में BDO ठेकेदार और ब्लॉक प्रमुख के पति को गिरफ्तार किया गया है। मामला भदौरा ब्लॉक के बगैर काम कराए 15 लाख के भुगतान का है। कामर पुलिस ने मामले में आरोपी BDO ठेकेदार और ब्लॉक प्रमुख के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भदौरा ब्लॉक के BDO गिरीश चंद्र सिंह ठेकेदार, तबरेज खान ब्लॉक प्रमुख, नरगिस खान के पति औरंगजेब खान को गिरफ्तार किया है। भदौरा ब्लॉक में बगैर काम कराए 15 लाख का भुगतान इन तीनों की मिलीभगत से कराया गया था, जिसकी शिकायत पर DM के निर्देश पर DPRO ने जांच की थी और शिकायत सही पाए जाने पर केस दर्ज किया गया था। फिलहाल घोटाले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या मामला था? भदौरा ब्लॉक में वहां के खंड विकास अधिकारी, वहां के प्रमुख और ठेकेदार, इन लोगों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जो DPRO गाजीपुर ने कराया था वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में। वहां कुछ इस तरह के काम दिखाए गए थे जो हुए ही नहीं थे, तथा उनका भुगतान ले लिया गया था। ये 21 बारे में ये अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि इसमें अभिलेखीय साक्ष्यों का संकलन किया जाना अनिवार्य था। तो ग्यामर पुलिस द्वारा इस संबंध में समस्त साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया जिन लोगों को आरोपित किया गया था FIR में, उनके विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, उसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तत् समय के खंड विकास अधिकारी, वहां का एक ठेकेदार जिसके द्वारा तथा कथित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया था, तथा उस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के पति, जो छदम रूप से ब्लॉक प्रमुख का काम देखता था, जिसके खिलाफ इस तरह की एविडेंसेस आई हैं, उन्हें माननीय न्यायालय में सुसंगत धाराओं में पेश किया जाएगा। और बाकी विवेचना भी प्रचलित है, हो सकता है कुछ और लोग भी इसमें इसके इस घोटाले की जड़ में आएंगे, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।